नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुदानी एडवोकेट आज आपको बताने जा रहा हूं कि मान लीजिए आपके साथ में कोई लड़ाई झगड़ा या कोई वारदात या कोई घटना घट गई है तो आप कंप्लेंट देने से पहले इन 5-7 चीज़ों के ऊपर जरूर ध्यान दें। उन चीज़ों को कंप्लेंट में जरूर दर्ज कराएं। सबसे पहला टाइम ऑफ अकरेंस, डेट ऑफ अकरेंस, प्लेस ऑफ अकरेंस। उसके बाद में सीक्वेंस ऑफ अकरेंस। सीक्वेंस का मतलब है किसने कब किसको कैसे कैसे मारा। इसके बाद में दोस्तों आता है कि मार्क ऑफ वायलेंस, कहां कहां पे आपको चोट लगी, कहां कहां पे चोट के दौरान आपका जो है ब्लड गिरा, उन चीज़ों पे जिस पे ब्लड गिरा उसकी डिटेल जरूर डालें। इसके अलावा दोस्तों विटनेसेस कौन कौन थे वहां पे, अगर प्रेजेंट में जो भी विटनेसेस आपके नोन थे या फिर आप उनको जानते थे तो उनका नाम जरूर लिखवाएं, ताकि बाद में आप उसको लिखवाते हैं तो आपका ये इम्प्रूवमेंट नहीं माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मान लीजिए घटना स्थल पे किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा है जिस पे ये पिक्चर कैप्चर हुई है लड़ाई वाली, तो उसका भी ब्यौरा जरूर दे दें, ताकि आपको बाद में इस बात की काफ़ी सहायता मिलेगी। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि मान लीजिए घटना किसी भी लाठी डंडे हथियार किसी भी चीज़ से हुई है तो उसका ब्यौरा भी जरूर दें कि भी किस किस चीज़ों का इस्तेमाल इस घटना में हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से ये जो 5-7 चीज़ें हैं ये अपनी कंप्लेंट में जरूर दर्ज करें। नमस्कार दोस्तों।